आज की भारतीय राजनीति में भक्त ये शब्द बहुत ही प्रचलित हुआ है। ये शब्द राजनेताओं के उन कट्टर समर्थकों के लिए प्रयोग किया जाता है जो नेताओं के हर फैसले का समर्थन करते हैं बिना ये सोचे समझे कि उनका फैसला देश के लिए कितना सही या गलत है। पर ये सियासी भक्ति या ही कहें अंधभक्ति सिर्फ आज की राजनीति की ही नहीं बल्कि भारतीय राजनीति के इतिहास में बहुत पहले से चली आ रही है। तो चलिए ले चलते हैं आपको इतिहास के उस सियासी अंधभक्ति की घटना की तरफ जो भारतीय राजनीति में अंधभक्तों के लिए आज भी मिसाल है। साल था 1977 का। देश में 1975 की थोपी हुई इमरजेंसी समाप्त हो चुकी थी और केंद्र की तानाशाही इंदिरा सरकार को 77 के चुनाव में जनता पार्टी ने हरा दिया था। 77 की लोकसभा चुनाव के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी और कांग्रेस को छोड़कर आए हुए मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने। फिर आने वाले वर्ष 1978 में देश के गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह के आदेश पर इंदिरा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया। इंदिरा गांधी के गिरफ्तारी के पीछे मुख्य वजह थी उन्हें संसद से निकालना, तो गिरफ्तारी के साथ ही इंदिरा गांधी की छुट्टी हो गई। यहाँ इंदिरा जेल के सलाखों के पीछे थी तो बाहर सारे देश में इंदिरा की गिरफ्तारी के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन होने लगे। इन्हीं प्रदर्शन के बीच एक दिन दो युवा कांग्रेसी कुछ ऐसा कर गए जो किसी ने सोचा भी न था। तो घटना है 20 दिसंबर 1978 की शाम 5:45 पर लखनऊ एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए इंडियन एयरलाइंस का जहाज उड़ा। जहाज था बोइंग 737। जहाज में 128 पैसेंजर सवार थे। यात्रा के दौरान सभी सामान्य जा रहा था। 15 मिनट में हवाई जहाज दिल्ली के पालम एयरपोर्ट में लैंड करने ही जा रहा था कि सीटों की 15वीं लाइन से दो नौजवान निकले। उनका नाम था भोलानाथ पांडे और देवेंद्र पांडे। भोला की उम्र 27 साल थी और देवेंद्र की 28 साल। ये दोनों युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और एक दूसरे के दोस्त भी। दोनों फ्लाइट अधिकारी जीवी डे को धक्का देकर पायलट के कॉकपिट में घुस गए और पायलट एमएन बट्टीवाला के कनपट्टी पर पिस्तौल टिका दी। अब तक किसी को इस बात का पता नहीं चला था कि कॉकपिट में क्या हुआ है। बस यही जानते थे कि कुछ तो हो रहा है लेकिन कोई सीरियस बात नहीं है। अंदर से कुछ मिनट में पहली अनाउंसमेंट हुई कि हम हाईजैक हो चुके हैं और पटना जा रहे हैं। सभी यात्रियों को साफ सुन गया। फिर कुछ देर बाद अनाउंसमेंट हुई कि हम बनारस लैंड करने वाले हैं। अंदर केबिन में कैप्टन उन दोनों को समझाने में परेशान हो रहे थे कि एयरक्राफ्ट ऐसे नहीं उड़ता। दोनों कैप्टन का दिमाग चाट गया। दोनों ने कैप्टन को कहा कि नेपाल ले चलो। कैप्टन ने दलील दी कि भाई साहब जहाज में इतना तेल नहीं कि नेपाल पहुंच जाए। फिर दोनों कहने लगे कि बांग्लादेश ले चलो। कैप्टन ने फिर वही दलील दी। शायद दोनों स्कूल में भूगोल के विषय में कमजोर रहे होंगे और जहां तक प्लेन की बात रही तो रत्ती भर का दिमाग न था। बाहर बैठे लोग पहले तो परेशान हुए फिर शांत हो गए। दोनों हाईजैकर लोगों के सामने गए और अपनी बात कहने लगे। हम यूथ कांग्रेस के मेंबर हैं। जनता पार्टी ने बदला लेने के लिए इंदिरा गांधी को अरेस्ट किया है। हम गांधीवादी हैं, अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले। हम पैसेंजरों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बस हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। इंदिरा गांधी जिंदाबाद 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 के नारेबाजी के साथ ही स्पीच खत्म हुई। जाहिर है कि पैसेंजरों के साथ किसी भी तरह की मारपीट नहीं हुई, पर स्पीच के बाद पैसेंजर्स ने इस कांड को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया और फिर कुछ देर बाद में बनारस आ गया और प्लेन बनारस में लैंड कर गया। फिर दोनों कांग्रेसी ने डिमांड रख दी कि हमारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राम नरेश यादव से बात कराओ। मुख्यमंत्री का मन तो नहीं था, पर प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के कहने पर मुख्यमंत्री ने अपनी प्लेन से बनारस के लिए उड़ान भरी। इतने में दोनों कांग्रेसियों ने तीनों मांगे जिला अधिकारी को समझा दी। पहली थी इंदिरा गांधी को रिहा किया जाए। दूसरी थी कि इंदिरा गांधी और संजय गांधी के खिलाफ जो भी चार्जेस लगे हुए हैं हटा दिए जाए और तीसरी कि केंद्र में बैठी जनता पार्टी की सरकार इस्तीफा दे। सीएम साहब भी एयरपोर्ट पर आ पहुंचे और निगोसिएशन शुरू हुई। निगोसिएशन की नौटंकी सारी रात चलती रही। सीएम को पीएम की तरफ से सख्त निर्देश थे कि इनकी एक भी डिमांड मानी नहीं जाए। सुबह के 6 बज गए। अंदर पैसेंजर सारी रात की नौटंकी से भयंकर बोर हो चुके थे। आखिरकार हाईजैकर्स ने पीछे वाला दरवाजा खुलवा दिया। आधे लोग उतर गए। दोनों हाईजैकर इंदिरा गांधी जिंदाबाद करते हुए नीचे आए
और अफसरों के आगे सरेंडर कर दिया। इस तरह यह हाईजैकिंग का खेल खत्म हुआ। पर सबसे मजे की बात बाद में पता चली कि जो पिस्टल ये दोनों कैप्टन के कनपट्टी पर लगाकर हीरोपंती कर रहे थे वो तो नकली थी, यानी बच्चों के खेलने का कोई खिलौना। दो साल बाद सन 1980 में कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन का टिकट देकर दोनों को उनके किए का इनाम दिया। दोनों विधायक बन गए, भोला दो बार विधायक रहे और इंडियन यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भी। देवेंद्र पांडे कांग्रेस की सत्ता में वापसी के बाद निष्ठावान कांग्रेसियों में गिने जाने लगे और राजीव गांधी के करीबी रहे। 2017 में उनकी मृत्यु हो गई। आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे इसी तरह की अनकही अनसुनी रोचक जानकारी।